पिछले दो हफ्ते से प्रदूषण के मामले में चर्चित बरोटीवाला के कुल्हाड़ीवाला स्थित पेपर मिल ने फिर उद्योग के बाहर प्रदूषित पानी छोड़ा। पेपर मिल द्वारा खड्ड में दूषित पानी छोड़ने का ग्रामीणों ने वीडियो बना दिया। औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के कुल्हाड़ीवाला गांव में कुछ दिन पूर्व तहसीलदार की ओर से ग्रामीणों के विरोध के बावजूद भी पेपर मिल को चलाने के निर्देश दे दिए थे, जिसके बाद गत्ता फैक्ट्री ने बारिश के दौरान साथ लगती खड्ड में पानी छोड़ दिया। इसकी ग्रामीणों को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने मौके पर जाकर दूषित पानी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन व प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों को भी दी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से मौके पर कोई नहीं आया, लेकिन प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने यहाँ पर दो स्थानों से दूषित पानी के सैंपल लिए हैं। यहाँ के लोगों ने एक सप्ताह पूर्व भी पेपर मिल के प्रदूषण को लेकर इस कंपनी के गेट पर ताला लगा दिया था, जिसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप के चलते कंपनी संचालकों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि वे प्रदूषण के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए इसका पालन करेंगे और जब तक उद्योग में सभी खामियों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक उद्योग को नहीं चलाया जाएगा और भविष्य में प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। लेकिन इस गंदे पानी को देख कर लगता है कि उद्योग मालिक सुधरने के मूड में नहीं है। हिम प्रवेश मुद्दा हमेशा उठाती रहती है, जैसे कोई पोल्यूशन का कोई मामला होता है हिम प्रवेश उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। पहले भी हमारे संज्ञान में आया था, तब तक पता चला कि प्रशासन ने समझौता कर लिया कि उन्होंने एफिडेविट लेकर के ये बात कर दी क्लियर कि आज के बाद पोल्यूशन नहीं होगा। परंतु आज जैसे ही बारिश हुई उद्योग ने अपना फिर वही दूषित पानी यहाँ छोड़ दिया। हमने मौके पर देखा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम भी आई थी जो सैंपल ले गई है। अब इसके लिए अगर तो फैक्ट्री वाले अपनी कार्यप्रणाली सुधारते हैं तो ठीक है, वरना हम अपनी संस्था की तरफ से ग्रीन ट्रिब्यूनल में इसको लेके जाएंगे और बाहर की किसी एजेंसी से इसके सैंपल कराएंगे और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अगर हमें कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट भी जाएंगे। हम ये भी नहीं चाहते कि औद्योगिक इकाइयाँ बंद हो, लेकिन इस शर्त पर ना चले कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो। और यहाँ आकर देखा, हम वहाँ गए जहाँ से पानी निकल रहा है, वहाँ पर खड़े होना बड़ा मुश्किल है, बहुत दुर्गंध आ रही है और गंदा पानी जो है वो फैक्ट्री वालों ने बारिश की आड़ में छोड़ रखा है। इसके लिए हिम परिवेश की तरफ से मैं आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसके लिए अब ये गांव लड़ाई गांव वालों की नहीं है, हम उनके साथ मिलकर के हम लड़ेंगे। हमें किसी भी हद तक किसी भी जगह जाना पड़े हम इनके साथ जाएंगे। जी, जो कंपनी है सर सेल्वन ग्रीन कुल्हाड़ीवाला में, ग्राम पंचायत मंदाला है इसकी, इसमें हमने काफ़ी दिनों से आपने देखा ही है कि काफ़ी दिनों से हम इसके विरोध में कर रहे हैं। विरोध किसका है? प्रदूषण का। कंपनी का विरोध नहीं है, विरोध सिर्फ प्रदूषण का है। तहसीलदार साहब ने भी उस दिन बोला था कि अब प्रदूषण नहीं आएगा, बकायदा उन्होंने एफिडेविट उन्होंने गारंटी ली, लेकिन आज भी इन्होंने पानी छोड़ा। अब मैं तहसीलदार साहब से उनके जो एफिडेविट बनाया उनसे मांग करता हूँ कि आप अब क्या क्यों सो रहे हैं, अब आप क्यों सोए हुए हैं? क्या गाँव वालों में जब कोई हादसा होगा बड़ा उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप, या गाँव वाले कुछ ऐसा एक्शन लें जैसा हमने पहले भी कहा था कि आत्मदाह का एक्शन ले, उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? बस यही क्वेश्चन करना चाहता हूं मैं तहसीलदार साहब से। सर, जो हमारा अभी एफिडेविट बना था उसमें इन्होंने बोला था कि हम प्रदूषण का और ये जो गंदा पानी है इसको बाहर नहीं फेंकेंगे, अगर आप फेंकोगे तो आप मतलब ग्रामवासी और ग्राम पंचायत इसके पंचायत वाले कोई भी जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी फैसला करेंगे वो मंजूर करेंगे। और उन्होंने फिर भी मतलब कि उसके खिलाफ जाके इन्होंने आज पूरा पानी छोड़ा हुआ है और पूरी स्मेल आ रही है, बहुत बुरा हाल है, पानी बहुत ज़्यादा सारा बाहर जा रहा है, ठंडी हवा चलती है मतलब आता है, जैसे ही बारिश होती है ये पानी छोड़ते हैं और सारा पानी बाहर को छोड़ देते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती रहती है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग फिर दोबारा कोई ना कोई फिर एक्शन करेंगे अगर ऐसे ही चल।